अभी आप ही का सोच रही थी, आपके बगैर एक एक पल का आनंद सा गुजरता है। मैंने तो कहा था कि वापस आ जाओ, लेकिन ये कयामत से गुजरने का फैसला तुम्हारा अपना है। कबीर, आप मेरी फीलिंग्स क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैं अपना हक मांग रही हूँ। कोई गलत मुतालबा तो नहीं किया ना मैंने आपसे? बताए इसमें क्या बुराई है? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप जैसा वेल एजुकेटेड इंसान एक सही फैसला लेने के लिए इतना सोच क्यों रहा है? क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ फलक, और तुम्हें मैंने हजार बार बताया है कि मेरी जिंदगी, मेरा करियर, मेरा रुपया, पैसा, दौलत, सब कुछ आलिया भाभी और टॉकीर भाई की वजह से। अगर वो दोनों मेरी जिंदगी में ना होते तो आज मैं इतना कामयाब ना होता फलक। आलिया भाभी ने तो मुझे उंगली पकड़ कर चलना सिखाया है, मैं कैसे भूल जाऊं? कोई एहसान नहीं किया उन लोगों ने आप पर, बिजनेस में आधा हिस्सा भी तो लिया है। उन्होंने कोई बिजनेस अपने नाम पे नहीं लिखवाया फलक, बिजनेस अब तक मेरे नाम पर है, वो तो बस जबानी कलामी उनके नाम पर है। कागजों में तो उनके नाम पे कुछ भी नहीं है, और उन्हें इस चीज की लालच भी नहीं है फलक, उसके बावजूद भी वो मेरी मदद कर रही हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। इसलिए फलक एक बात कान खोल कर सुन लो, मुझे मजबूर मत करो, मैं अलग घर में कभी शिफ्ट नहीं हूँ। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी, अब तुम्हारा जो भी फैसला होगा मुझे बता दे। कबीर, सारी मेहनत, सारा ड्रामा बेकार गया, मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। इतनी मेहनत में बर्बाद नहीं जाने दूंगी।